अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे सब दोस्त कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार, जैसे कि आपके लिए मैं आया कि पहली स्टेट में उन्होंने फिर आर ओ सी दोबारा से शुरू कर दिया है, तो जो इंडियन वाले प्लेयर थे वो तो बहुत तंग है आर ओ सी से। अलबत्ता तंग तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है। और मेरे तो कुछ दोस्त ये टिकटों से बहुत परेशान हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे दोस्त कैसे टिकटों से परेशान हैं। मैं आपको उनकी ना वॉइस सुनाता हूँ, सुनिएगा ज़रा। मैं तो बहुत ही म्यूजिक भाई, तुसी रिवार्ड नो वेख के जरा ना परेशान हो। मैं रिवार्ड नो वेख के परेशान हो तो टिकटा लाया ना यार, 280 टिकट लाई एक हीरो ने नहीं गया यार। ना हो रहा है ना, ना वा रहा है ना, ना ला है कोई चीज ने नहीं देते। तो रुको जरा, सबर करो। उन तो बंदा है बैठा जो बने वाला था, लाश नहीं हो जाना। दो महीने टिकटा सेव की थी, 300 टिकट, 300 टिकट, तो बीच में निकले बाबे जी का घंटा। तो बहुत ही ना संजीदा है इनकी सिचुएशन। तो अलबत्ता भाई, हम तो कल टिकटें यूज़ करेंगे, इधर देखते हैं क्या निकलता है। फिर उन्होंने 288 टिकटें यूज़ की तो कुछ नहीं निकला, ये हम चेक करेंगे अब कल। आप लोगों का किसी का कुछ निकला है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। एक दोस्त तो मेरा कह रहा जी, मेरा ख्वाब में ना ख्वाब में 10 टिकटों में हेलफेयर निकल गया है। तो मैं अब टिकटें लगाऊं या ना लगाऊं? भाईजान कल लगा लीजिए, अगर आपका ख्वाब में निकल गया है हीरो 10 टिकटों में, तो शायद कल भी आपका ना निकला है। तो आप सबको एडवाइस है कि जिनके पास ये हीरो है ना, इन पे मत लगाइएगा, इस दोनों पे लगाओ, ये निकल जाए तो बेस्ट है। वो तो अलबत्ता साल एक में फ्रैगमेंट से पूरे हो ही जाएंगे, साल ही लगता है और कितने लगते हैं। और ये आर ओ सी इंजॉय करें। जो इडन वाले प्लेयर हैं उनको तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार, आप आर ओ सी के इस इवेंट में अपनी बस पावर बनाएं और नेक्स्ट जो इडन स्टार्ट होगा उसके लिए खुद को रेडी करें, तो ये बेस्ट होगा आप सब के लिए।